सो आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस साइड साक्षी दंजल। और ये बह रही है कौन सी नदी, मैं आपको भी कम बताती हूँ। अगर आपको पता है कि सिक्किम में कौन सी नदी निकलती है तो आप देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जाकरी फॉल्स जो था जिसमें मैं स्टे कर रही हूँ। अच्छा, फाइनली नॉर्थ रीच सिक्किम, वेलकम टू द नॉर्थ सिक्किम रोड्स। अच्छा, इतने से नॉर्थ सिक्किम घुस गए हम। फिलहाल हम जा रहे हैं ऊपर एक जगह पर, हमारी एक जगह डेस्टिनेशन पर, तो मैं इसका मेंशन अभी नहीं करना चाहती, मैं कल से आपको ये जगह दिखाऊंगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो पहली चीज़ टैक्सी का भाड़ा लेकर आएँ और बजट तय करके आएँ, क्योंकि वो बजट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपना फ्लाइट बजट भी सोच लें। मैं सो रही थी एक्चुअली, मुझे इसने जगा दिया, मैं बहुत गहरी नींदों में थी और सुबह की उठी हुई से मैं नैनाप ले रही थी। नहीं यार, मैं बहुत गहरी नींद में थी, सच बता रही हूँ, मैं सच में बहुत गहरी नींद में थी। बट दैट वाज द कैप्चरिंग वुमन, तो तुम फोन उठा सकते हो। एक्चुअली ब्रिज खतरनाक था, इतना भी खतरनाक ब्रिज नहीं था। जब मैं सोलो ट्रैवलिंग करती हूँ तो मैं अकेले उठाती हूँ। से हेलो फॉर द कैमरा। हम इस पर चेकर जा रहे हैं फिलहाल, तो खाने को मैंने चिप्स का पैकेट खोल के दिया। ही जस्ट स्टार्टेड ईटिंग। वो बिल्ली, वो बिल्ली हम बहुत है पक्की भी, वो हो चुका है। हाँ, वो कीड़े लगे हैं, सारे कीड़े लगे हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, आप ढूंढ के देना मुझे यहाँ का फ्रूट। मैं फ्रूट टेस्ट करने वाली थी गाइस, बट सारे में कीड़े लगे हुए हैं। मैं कहीं पर हूँ, ये इसके बारे में बाद में बताऊँगी परसों। ये जगह बहुत प्यारी है। सो गाइस, ये बैम्बूस हैं फाइनली। पानी, हाँ बैम्बू में पानी होता है ना, बैम्बू स्टिक्स में पानी होता है, तुम्हें पता नहीं इस बारे में? तभी तो एकदम से उठते हैं और चार साल का पानी होता है इनमें, चार साल का। आई नो। सो गाइस, हम आए हैं सेवन सीज वाटरफॉल, और इसको सेवन सिस्टर वाटरफॉल, और हम जाएंगे आगे फोटो खिंचवाने। देखो यार कितना सुंदर है। तो इस मतलब ये बहुत पुराना ब्रिज में से निकलेंगे हम अभी। और पता है इसको सेवन सिस्टर वाटरफॉल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऊपर सात पहाड़ों का पानी मिलकर आ रहा है। मैं इसका क्लोज व्यू लेने के चक्कर में और आगे आ गई, तो ये रास्ता है कुछ ऐसा खतरनाक सा। ओके, लेट्स डू इट। ओके, हाथ पकड़ के रखना, छोड़ दो। जहाँ तक मैं जा रही हूँ वहाँ पे कोई भी नहीं है। वॉटरफॉल है यहाँ पर नॉर्थ सिक्किम में पड़ता है, तो हम नॉर्थ सिक्किम कुछ परमिट सा देखने आए थे, तो जो नथुला पास है वहाँ के लिए आपको सिक्किम की ही गाड़ी चाहिए, जिसमें सिक्किम का वो हो, लाइक बोर्ड लगाओ।
बट फॉर अदर साइड देयर अदर चांसेस पार्ले जी तुम्हारे क्यों से पार्ले जी तुम तो खाती हो पार्ले जी मैंने खाती पार्ले जी और जो आपकी नॉर्थ सिक्किम साइड है वहाँ पे भी एक बहुत फेमस प्लेस है अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ हम जा रहे हैं अभी हम किधर जा रहे हैं जो भी 17 मिनट दूर है क्या जनेरी स्तूपा यार लुनेरी स्तूपा ओके लुनेरी स्तूपा की एक खासियत है अच्छा मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि इंडिया का पहला स्काई वॉक था जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था चार धाम के साथ अगर आपको उसका नाम याद है कि वो कौन सा स्टैचू है तो मुझे कमेंट करके बताओ उसके अलावा हम अभी जा रहे हैं फिर से मैं नाम भूल गई लुनेरी स्तूपा ऐसा क्यों कि इसका नाम नू से है क्योंकि मैंने कुछ सुना है नुनेरी मैं आपको बता देती हूँ जो फीमेल मॉन्क्स होती है हाँ एग्जैक्टली और राइट तो आज हम जा रहे हैं आयुष के साथ आयुष होम स्टे का जो अगर आप वो दी जाकरी को अगर मैंने अपने इंस्टाग्राम देखा हो ना नीचे मैंने हर वीडियो में मेंशन करा हुआ है तो वो इस होम स्टे का केयर टेकर ऑनर तो नहीं बोलूंगी मुझे डंडे मारे क्योंकि मम्मी का है तो केयर टेकर है एक तरीके से सो हम जा रहे हैं अभी नुनेरी मुझे नाम याद करना पड़ेगा नुनेरी स्तूपा सो नुनेरी स्तूपा क्योंकि वहाँ पे आपने सही सुना एक पहला ऐसा पूरा स्तूपा है सिक्किम में जहाँ पे सिर्फ मतलब यू नो व्यूमेन लड़कियाँ सो मैं आपको ना आज 5 वो शेयर करने वाली थी कि अगर आप रोड ट्रिप पे जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए तो तुम्हें क्या लगता है राकेश पहली ऐसी कौन सी चीज़ें जिसका हम रोड ट्रिप पे जा रहे हैं और हमें उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि राकेश तुम मेरे साथ ऑलरेडी चौथी ट्रिप पर हो तुम मेरे साथ तो तुम्हें गाड़ी में जब भी तुम ट्रिप पे जा रहे हो तुम्हें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहली बात तो पानी एग्जैक्टली यू आर राइट That was same on my mind. क्योंकि पानी की enough bottles होनी चाहिए क्योंकि बैठते ही आयुष बोला पानी की बॉटल इतनी सारी ऑब्वियसली पानी का ध्यान रखना चाहिए जब आप जा रहे हो सेकेंड चीज क्या हो सकती है मतलब तुम गेस कर सकते हो तुम्हें याद है हम इतने लंबे रूट में और हमें स्टे नहीं मिला था तो हमारे पास क्या था अगर आप गाड़ी में जा रहे हो तो ब्लैंकेट और फूड एनफ फूड बेसिकली एनफ फूड होना चाहिए आपके पास एनफ फूड होने से आपके साथ क्या होगा कि अगर आप रेडी टू ईट फूड लेके जा रहे हो जैसे कि राकेश ने जो पिक किया ना आई रियली अप्रिशिएट हिम कि उसने वो पैकेट पिक करे थे मैगी के जो कि रेडी टू ईट मैगी होती है तो रेडी टू ईट जो मैगी होती है तो दैट वॉज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू नो वार्म वाटर मिले ना मिले मैगी रेडी हो जाएगी आपकी 2 मिनट में सो यहाँ पे कैफेटेरिया ओपन नहीं है अभी बट पैराग्लाइडिंग भी ओपन है 5 तारीख से पैराग्लाइडिंग ओपन हो रही है इस जगह पे ननसरी वहाँ पर ननरी ओके ये मुझे हमेशा करेक्ट आता है सो ननरी जो है वो उस तरफ है अब मुझे वो लैंग्वेज समझ नहीं आ रही अगर तुम्हें समझ आ रही तो वो भी स्तूपा ऊपर है जो सामने आपको दिख रहा है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं आजकल हेलो किसको चाहिए ये ब्रीड कमेंट करके बताओ उसके लिए सिक्किम आना पड़ेगा ले जाना उसको उठा के सो फाइनली सुबह तो बंद है बट हम वो नन देख सकते हैं मॉन्क देख सकते हैं जो कि ह्यूमन थी अभी आप बाहर कोई नहीं है बट ये मुझे आयुष के होम स्टे से दिखती थी जगह है आयुष ये तुम्हारे होम स्टे से दिखती थी जगह So this is the reason behind this place, also known as a super.
We finally guys ho raha stadium kahan gaya exactly ho raha exactly ho raha stadium for watching and see you in our next place in the next vlog. Thank you so much. It has been a pleasure to be with you.